नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका ज्ञान की बात केशव मंगई के साथ में। मैं हूं आपके साथ केशव। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई वेजिटेरियन। क्यों एक स्पिरिचुअल पर्सन को जो अध्यात्म को फॉलो करता है, व्हाई ही हैव टू बिकम अ वेजिटेरियन, उसे क्यों वेजिटेरियन बनना पड़ता है। मेरे पे कमेंट आया था किसी का, तो वो उनका यही क्वेश्चन था, व्हाई वीगन। अगर आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन है या आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोई जैसे कोई तंत्र प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड या कोई स्पिरिचुअल चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको वेजिटेरियन क्यों होना है, आपको वीगन क्यों रहना है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया आंसर है। प्लांट्स हैव लाइफ, प्लांट्स के पास लाइफ होती है, पौधों में जो प्राण शक्ति होती है, बट दे हैव नॉट डेवलप्ड द बायो मसल मेमोरी इन विच जो पेन स्टोर हो जाए। प्लांट्स ने ऐसी बायो मसल मेमोरी नहीं बनाई है जिसमें पेन स्टोर हो जाए। तो अगर हम उसे अपने अपने सिस्टम में लेते हैं, तो वो हमें कुछ पेन सोरो कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्योर एनर्जी है जो हम ले रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, तो वो हमें प्योर एनर्जी ही देगा। बट अब हम किसी जानवर को मार रहे हैं, तो जब एक एनिमल, व्हेन वी किल एन एनिमल, तो वो कितने ट्रेमेंडस अमाउंट में पेन सोरोज दुख तकलीफ निकलती हैं, तो इट गेट रिकॉर्डेड, वो उसके जो बायो मसल मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और फिर जब हम उस फ्लैश को, व्हेन वी टेक दैट फ्लैश इन, जब हम उसे अपने सिस्टम में लेते हैं उस फ्लैश को, तब जो जो उसके अंदर बायो मसल मेमोरी के, जो एनिमल की बायो मसल मेमोरी के अंदर जो वो जो पेन सोरो रिकॉर्ड हो चुका है, वो हमारी बॉडी में जा रहा है। जब वो हमारी बॉडी में जा रहा है, तो वो हमारे ब्लड बनता है, ब्लड से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स में जा रहा है, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो जा रहा है, तो वो हमें क्या देगा, पेन सोरो। तो वी गेट प्रोन टू इट, हम उसके प्रोन हो जाते हैं, मतलब हम उसके उस पेन सोरो के लिए ढल जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई, अगर देखिए स्पिरिचुअलिटी की बात अलग है, बट अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, बट देन ऑल्सो यू आर अ वीगन, आप वेजिटेरियन हैं, तो आप को जो प्योर एनर्जी है वो ही मिलेगी। बट मोस्ट, जब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है, जो टॉक्सिक मेंटल सेटअप बन जाता है ना व्यक्ति के अंदर, वो ज्यादातर देखा जाए तो वो एक नॉन वेजिटेरियन के अंदर ही बिल्ड होता है। एक वेजिटेरियन पर्सन के अंदर 1.001% ऐसे वेजिटेरियंस के अंदर होगा, बट 99% जो, अगर ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखी जाए ना, तो नॉन वेजिटेरियंस के अंदर है। वेजिटेरियंस को डिप्रेशन नहीं होता। छोटी बात, आप नॉन वेज लेते हैं, खाते हैं, तो वो जो पेन सोरो जो उसकी बायो मसल मेमोरी में रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो आपके अंदर जाता है, तो आपको वो पेन सोरो आपके ब्रेन में भी जाएगा, ब्लड, तो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है वो पेन सोरो, आप भी वही काम करने लग जाते हैं, दुख तकलीफ से आप गिरने लग जाते हैं। इसलिए आपको वेजिटेरियन होना है, और हमेशा वेजिटेरियन लोगों का जो दिमाग होता है ना, बहुत तेज चलता है। थैंक यू, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ज्ञान की बात केशव मंगई के साथ में। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।